बाड़ा बाजार में 30 लाख रुपए की जेवरात की भीषण डकैती। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार। खबर बेगूसराय के पचवाड़ा से है, जहां शनिवार के अहले सुबह में पचवाड़ा मेन मार्केट स्थित राजलक्ष्मी ज्वेलर्स में हथियारबंद डकैतों के द्वारा व्यवसाय की लगभग 30 लाख रुपए के जेवरात डकैती की खबर से सनसनी फैल गई। व्यवसायी एवं राजद के जिला प्रवक्ता श्याम प्रसाद दास ने बताया कि वह दुकान के अंदर ही सोए हुए थे, तभी लगभग 3 बजे सुबह कुछ हथियार से लैस लुटेरे दुकान के पिछले हिस्से का ग्रिल उखाड़ने लगे। आवाज सुनकर अंदर सोए स्वर्ण व्यवसायी उठ कर देखा, तभी हथियार से लैस 5 लुटेरे अंदर घुस कर व्यवसायी को हाथ पैर बांध कर बंधक बना लिया और एक एक कर सभी जेवरा समेट कर लेकर चलते बने। उल्लेखनीय है कि लगभग 30 लाख रुपए की जेवरात डकैती की लागत मूल का आकलन किया गया है। तत्पश्चात स्वर्ण व्यवसायी के शोरगुल सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचकर व्यवसायी का हाथ पैर खोला। इसके बाद लोगों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची बछवाड़ा थाने की पुलिस ने वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। शनिवार को आसपास के ग्रामीणों व बाजार के दुकानदारों ने बछवाड़ा बाजार स्थित मेन रोड को जाम कर दिया है। घटना की सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंचे तेघरा DSP ओम प्रकाश ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है, सलाखों के पीछे होंगे। आइए देखते हैं बेगूसराय से हमारे रिपोर्टर राकेश यादव की रिपोर्ट। खबरदार न्यूज के साथ के उम्र से अभी तक इस रोड में या नारेपुर बछवाड़ा बाजार में कभी ऐसा घटना नहीं हुआ था, ठीक है। और इतिहास हम लोगों को जब से हुआ है तब से अभी पहला घटना है जो कि इस तरह का घटना का अंजाम दिया गया, उसमें भी डकैती का और भीड़ भाड़ वाले इलाके में। इस पर हम लोग जाम किए हैं और जाम पूर्णतः जाम किए हैं और जब तक प्रशासन के द्वारा हम लोगों को पूर्णतः आश्वासन और ये जो घटना को अंजाम देने वाला जो भी लोग है उसको जब तक प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक लगातार हम लोग आंदोलन करेंगे और जाम को जारी रखेंगे। क्या नाम? जितेंद्र कुमार। बढ़िया बोल रही तू, बन भी आगे मिलता है। बीस मिनट तो कम करिए, अपने बोलो इसका पूरी ये पहला पर इससे स्पष्ट हुआ है, मालूम चला है कि रात करीब 2 बजे के लगभग में 5 मिनट से पीछे से दरवाजा तोड़कर घुस गए थे, जिसमें जो दुकान के मालिक सोए हुए थे उनके द्वारा बताया गया कि हाथ पैर बांध दिया गया और सोना का जितना भी सामान है चांदी सोना का जो लूट किया गया और हमने देखा कि पार्टी और इतने की लूट हुई है तो नहीं मालूम चला है चल जाएगा और हम लोग निश्चित तौर से इसका उद्भेदन होगा। आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं अभी जाम कर क्या आश्वासन दिया गया है? जाम तो हम कहें कि जाम से कोई सलूशन नहीं है, इसमें पुलिस उलझ जाती है, समय दीजिए, नहीं होगा तो फिर तो जो भी आप चाहेंगे कर सकते।